न्यूज़। लगातार बार बार एक ही मुद्दा राहुल गांधी, और राहुल गांधी की आवाज़ को हम भी दबने नहीं देंगे और जनता भी छुपने नहीं देगी। अडानी मुद्दा कब तक छुपाएंगे, आखिरकार उजागर तो करना ही पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर यही सवाल लगातार बार बार पीएम नरेंद्र मोदी पर दागे जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अडानी को बचाने का कार्य कर रही है, ये सरासर गलत है। SBI, LIC और तमाम बंदरगाह जब अडानी कंपनी को दे दिए जाते हैं, उसमें जनता का पैसा लगा होता है, जनता के द्वारा GST ली जाती है, तमाम पैसे वो आप अडानी कंपनी में लगा देते हैं, और अडानी कंपनी क्या करता है, अपने आप को ऊँचे पायदान पर रखता है और दिखाता है कि सबसे अमीरों में से है, सबसे अमीर व्यापारियों में से अडानी है। तो ऐसे में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है तो खुलासा हो जाता है, सारे पर्दाफाश हो जाते हैं। तो अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस की मुहिम है, वही तमाम विपक्ष पार्टियों की मुहिम है। लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार राहुल गांधी के समर्थन में बोल रही है, राहुल गांधी का बचाव करते हुए कह रही हैं कि अब यहाँ निजी कारणों से नहीं बल्कि देश हित की बात करनी चाहिए और देश की जनता के मुद्दों को उठाकर लाना चाहिए, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। तो इसी को लेकर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल मौजूद होते हैं, तो काफ़ी कुछ वो अडानी को लेकर बोलते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी फंडिंग का काम कर रहे हैं और अडानी की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जब वो पैसा जुड़ जाएगा और जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो उसका फ़ायदा कौन उठाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी तो उठाएंगे क्योंकि सबसे अमीर लिस्ट में अडानी आ रहा है, अब उस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी को भी आना है, तो ऐसे में साठ गांठ तो देखी जा ही रही है। तो इसी पे पलटवार करते हुए संबित पात्रा बखूबी देखे जा रहे हैं। संबित पात्रा वही हैं जो अपनी बेतुकी बातों से लोगों को पागल बनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले देखे जाते हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ कवर करने का काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर राहुल गांधी के बचाव में केजरीवाल एक तरीके से कवर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर राहुल गांधी को बचा रहे हैं क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार है, उस पार्टी में तमाम गलतियां हैं, तमाम तरीके से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और केजरीवाल यहाँ पर राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा, आपको समझ क्यों नहीं आता है कि आप किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? अडानी मुद्दे पर तो आप बोलना नहीं चाहते, लेकिन जो समर्थक कर रहा है राहुल गांधी का और जनता का, उस मुद्दे का जिस पर जनता भी जवाब चाहती है, उस पर आप जनता को जवाब तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन यहां पर राहुल गांधी के तहत आप केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि आने वाला है चुनाव, और चुनाव को देखते हुए आपको भी बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। आप जब तक मिर्ची पैदा नहीं करेंगे तब तक बात कैसे बनेगी? तो ये तमाम मुद्दे आप देखेंगे कि संबित पात्रा द्वारा कवर वाली बात कही जाती है। तो आपको कहां तक सही लगती है, क्या केजरीवाल राहुल गांधी को कवर कर रहे हैं या पीएम नरेंद्र मोदी अडानी को छुपाने का काम कर रहे हैं? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।